हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि आए दिन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, तो कोडिंग डिकोडिंग में हमको कोड और डिकोड क्या होता है, एक कोड हमको दिया रहता है और उसका डिकोड करके हमको बनाना पड़ता है। तो कोड और डिकोड के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आइए हमारे कुछ क्वेश्चंस को जो सॉल्व मैंने किया है देखा जाए, जो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। देखिए, आइए कोडिंग डिकोडिंग में ई जो होती का कॉन्सेप्ट है, जो कि पांच पांच अल्फाबेट को जो है चेंज कर कर जो है 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 का रेशियो लिया गया अल्फाबेट का, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, ए को 2 बोलता है, बी को 3 बोलता है, सी को 4 बोलता है, मतलब एक एक वर्कर का जो है न्यूमेरिक वैल्यू दिखा गया है। तो पेल का क्या होगा, प्लेस है, ओके, तो प्लेस का क्या होगा, ओ पी, तो ओ पी आपका कितने पे आएगा, 16 पे आएगा, ठीक है, ओ पी पी कितना पे आएगा, 16 पे आएगा, ठीक है, और आपका जो है एल कितने पे आएगा, 12 पे आएगा, ओके, ए कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, ओ पी पी आपका 16 पे था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे, एल आपका जो है जे के एल यानी 12 है तो क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, ए आपका 2 लिखेंगे, सी 3 है तो 4 लिखेंगे, ई आपका 5 है तो 6 लिखेंगे। ओके, ये आपका आंसर हुआ प्लेस का। ओके, आई वाज सर में इसी तरह आपका ये वैल्यू है सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या है, एस का 9 ई का 5, ये कुछ कोडिंग का डिकोडिंग किया गया है। तो देखिए, आपको मैच करना है, डी के नीचे 7 है, यहाँ भी 7 है, ओके, और कुछ वैल्यू दिया हुआ है जो कॉमन है दोनों में, एस के नीचे 9 है, एस के नीचे 9 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जस कर लिया कि दोनों जो है कोड जो दिया हुआ उसका डिकोड सेम आ रहा है नीचे में, ठीक है, तो इसका भी जो है इसमें से रिसर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हम उसको डिकोड के इसको डिकोड कर देंगे। तो टी के नीचे क्या है, 1 है, तो डाल देंगे हम लोग 1, ई के नीचे क्या है आपका, 5 है, ए के नीचे क्या है आपका, 3 है, और डी के नीचे 7 है, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ए एल ई इक्वल टू 34, इसको आपको जब भी ऐसा वैल्यू दिया रहता है शॉर्ट फॉर्म में, तो या तो आपका इसका जो कोड का जो वैल्यू है न्यूमेरिक नंबर वो होगा ऐड करके, या तो उसका डिकोड जो होगा उसको ऐड करके दे सकता है, ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्यूशन देंगे। पी का क्या है, ओ पी, पी है 16 पे, ए है 1 पे, एल है 12 पे, और ये है 5 पे, तो 5 और 6, 6 और 12 हो गए 18, 18 और 16 34 हो गए, क्लियर है। तो एरेस्ट का क्या होगा, एरेस्ट का होगा ए का 1, आर का 18, पी आर का 18, ई का 5, ठीक है, एच टी 19, टी का 20, 20, इनको हम जोड़ लेंगे तो आंसर हमारा तैयार हो जाएगा। तो क्या होगा, 19 और 20, 20, 20, 40, 5, 45, 45 और 36, 45 और 5, 50 और 51, 51 और 30, 81 हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर नंबर 3 तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओरल, ओरल भी आपका इसी तरह का है, इसका जो है न्यूमेरिक नंबर जो है ईओटी से जो हमने निकाला, इसका जो न्यूमेरिक नंबर होता है वो तो क्या होता है, वो 15 होता है, तो 5 और 1, 6, ओ का वैल्यू यहाँ दिया है, क्या है 5 और 1, 6 जोड़ दिए, न्यूमेरिक जो वैल्यू है इसका ओ का अल्फाबेट का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 15, तो उसको जोड़ के हमने यहाँ लिख दिए, एल होता है आपका 12 पे, ठीक है, 2 और 1, 3, इसका हमने इस कोना पे वैल्यू लिखा। तो आपका आर का क्या वैल्यू है, 18 होता है, ठीक है, 8 और 1, 9 हो जाएगा। ओके, ए का क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो इस तरह से हमने ओरल का वैल्यू निकाल लिया। तो अगर मान लीजिए मून का तब क्या होगा, ओके, तो मून का भी आप निकाल लोगे, M13 पे, M14 पे, वो आपका जो है 15 पे, ओके, तो 3 और 1, 4, 4 यहाँ आएगा, 4 और 1, 5 यहाँ आएगा, 5 और 1, 6 यहाँ, 5 और 1, 6 यहाँ, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, इस टाइप का भी लेवल आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, यहाँ फेल का भी आप निकाल के देख लेना, ट्राई कर लेना, FAIL आपको उसी तरह बन जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज आप दे सकते हैं चार वर्ड का। आपका यहाँ पे दिया हुआ है K का नीचे क्या है, डॉलर दिया है, N के नीचे 3 दिया हुआ है, T के नीचे डिवाइड, H और E का वैल्यू 5 दिया हुआ है, T के नीचे 5, यहाँ भी, ठीक है,
आपको समझ में आ रहा है, अब एफ के नीचे यहाँ पे क्या है, हैज, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो कि करते रहते थे। ए के नीचे क्या था आपका, एट द रेट। आई के नीचे क्या था आपका, आई के नीचे क्या था, डिवाइड। और एल के नीचे क्या था, सेवन। ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से ये हमने पांच क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर आएंगे, आप तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगे, आप इसको सर्च कीजिए और उसके सर्च करने के बाद उसको डिस्कस कीजिए और फीडबैक दीजिए। ओके, गुड लक।